आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। मैं हूं सतीश कुमार। क्या आप भी इन भाई साहब की तरह तो गलती नहीं कर रहे हैं? यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से ये गलती आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हम पूरे डाउट क्लियर कर देंगे कि ऐसी गलती करने से हमारी फसल को क्या नुकसान हो सकता है और हमारा पैसा किस प्रकार से बर्बाद हो सकता है। कि ये किसान भाई जो हैं, वो इनकी ये गेहूं की फसल जो है वो 25 से 30 दिन की हो चुकी है और इसमें ये सिंचाई करने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इनकी सोच बहुत अच्छी है। लेकिन जो ये गलती कर रहे हैं, वो गलती इनकी ये है, इन्होंने जो है यूरिया पहले से प्रयोग कर दी है, यानी सिंचाई करने के पहले प्रयोग कर दिया है। जैसा आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर खेत में दाने दिखाई पड़ रहे होंगे कि इसमें यूरिया पहले से प्रयोग की जा चुकी है और बुआई भी कर रहे हैं, हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। यदि हम पहले बुआई कर देते हैं तो उससे नुकसान क्या है, और पानी लगाते हैं और उस समय प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो यही सभी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसान भाई, यदि हम पहले प्रयोग करते हैं तो नुकसान ये होता है कि से 12 घंटे यदि हम पहले यूरिया को खेत में अपने प्रयोग कर देते हैं तो दाना जो है यूरिया का होता है वो छोटा होता है और वो गल जाता है, क्योंकि वातावरण में जब वो पड़ता है सीधे तो वो गलना चालू हो जाता है और 10 से 12 घंटे के अंदर ये गल जाता है। और जब गल जाता है तो खेत में सूखा होता है, क्योंकि खेत में नमी नहीं होती है। 20-25 दिन के अंतर पर खेत में नमी बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती है और उस दौरान जो है पौधों को नमी की आवश्यकता होती है, और जब पौधे के पास में पड़ा हुआ यूरिया का दाना गल जाता है तो पौधे उसको नमी के रूप में अवशोषित करते हैं। लेकिन जब नमी के रूप में अवशोषित कर लेते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण जो है पौधे से मुरझा जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और बाद में अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हम यूरिया का प्रयोग सिंचाई के साथ में कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त पानी होता है, और उस दौरान जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, जब यूरिया पानी में घुल जाती है तो वातावरण में ये इसलिए चली जाती है क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के द्वारा और ये गैस के रूप में बदल जाती है और हमारी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो पौधों को पर्याप्त नहीं मिल पाती। अब किसान भाइयों, बात आती है कि यदि हम पहले भी प्रयोग नहीं करें और सिंचाई के दौरान भी नहीं हम यूरिया का प्रयोग करें तो आखिर करें क्या और सबसे सही उचित समय क्या है, तो ये भी आपको यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो सिंचाई के बाद हम अपने खेत को चेक करते रहते हैं, और चेक करने के बाद जब हम देखें तो इसका अंतर हो सकता है, कहीं पर कुछ खेत जल्दी सूख जाते हैं और कहीं पर कुछ देर से सूखते हैं। तो हमको प्रयोग यूरिया का कब करना है, वो सबसे सही समय यह है कि हम खेत चेक करते रहें, और खेत में जब हम अंदर जाएं तो पैर जो है वो ज़मीन में दबे नहीं, यानी मिट्टी खेत की दबे नहीं, हल्की दब सकती है लेकिन ज़्यादा दबे नहीं, और कहीं पर पानी हमको नहीं दिखाई पड़ रहा हो, बस पानी हमको खेत में दिखाई पड़ रही हो। और यदि पर्याप्त नमी खेत में दिखाई पड़ रही है तो उस समय जो है वो सबसे उचित समय होता है हमको यूरिया या अन्य खाद देने का। तो यदि हम इस समय खाद को दे देते हैं तो हमारे पौधे जो है अच्छी तरह उसको अवशोषित कर लेते हैं और जितनी मात्रा उनको चाहिए उतनी ही अवशोषित करते हैं और उनको अच्छी मात्रा में जो है पोषण मिल जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम सही समय पर उचित ढंग से यूरिया का प्रयोग करेंगे या किसी भी खाद का प्रयोग करेंगे तो पौधे अच्छी तरह ग्रहण करेंगे, और जब उनको पर्याप्त मात्रा में वो लेंगे तो उनको अच्छा लाभ होगा और अच्छी तरह ग्रोथ भी करेंगे और अच्छी हमारी हरी भरी फसल भी होगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, हम थोड़ा ध्यान दें और पहली सिंचाई जो हम कर रहे हैं वो 25 से 30 दिन पर करें, और 25 से 30 दिन के बाद जो है कहीं पर 4 से 5 दिन के अंतर पर जो है खाद देने का समय हो जाता है, तो कहीं पर 7 से 8 दिन पर खाद देने का उचित समय हो जाता है। बस ध्यान देना है कि हम खेत में जाएं और जब पैर हमारे खेत में मिट्टी ना दबे उस समय हमको यूरिया का प्रयोग कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे।